हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं गाइस? आज मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं। यहाँ से राइट जाना है सिग्नल, और कितने डेज हो गए इनको चलाते हुए और क्या क्या इन्होंने अभी तक सीखा है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा गाइस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ हर दिन कुछ ना कुछ आप उससे नया सीख सकें, और हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको मेरे से ड्राइविंग के रिलेटेड में कुछ भी बात करनी है, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो, चाहे ड्राइविंग से रिलेटेड हो, चाहे सेकेंड कार परचेज करने के रिलेटेड हो, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो गाइस, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। और अभी मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका नाम जान लेते हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अमरेंद्र सिंह है। ओके, कौन सा डेज है आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज मेरा 10th और 11th डे होगा। ओके, और क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? मैंने फर्स्ट गियर में, सेकेंड, थर्ड गियर में गाड़ी चलाई, रिवर्स गियर सीखा है। ओके, तो अभी आप अपनी कार चला सकते हैं? यस सर। ओके, सो गाइस, मैंने एक बार इनको ग्राउंड में गाड़ी भी दे दी है, ताकि मतलब ये अपना क्लच दबा के, ये आपने पहला गियर नहीं डाल, पहला लग गया था। गियर पैटर्न पता है क्या? गियर को बहुत आसानी से समझना है उसको। ये नहीं कि जहाँ मर्जी वहाँ डाल दिया, उसका सिस्टम है, उसका पैटर्न बना हुआ है, उसकी डायरेक्शन है, समझ रहे हैं? अगर आप दाएं बाएं कर दोगे, जैसे अभी आपने इस मतलब बड़ी फुर्ती दिखाई, लेकिन थर्ड की जगह लग गया था फर्स्ट। अब जैसे ही आप क्लच छोड़ते हो, अभी गाड़ी पूरी वाइब्रेट कर जाती है, क्योंकि थर्ड गियर की स्पीड होती है 30-40, फर्स्ट गियर की होती 10-20। बिना ब्रेक के 20 की स्पीड कम हो जाती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो बैकलाइट ऑन हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अभी स्पीड कम रखो, गड्ढे गुड्ढे बचा के। तेज चलाना कोई कला नहीं, जितना स्लो चलाओगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। और आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी को 10 दिन में आ जाती, किसी को महीना भी लग जाता है, ठीक है? ये मल्टीटास्किंग है, ये एजुकेशन का इसमें कोई रोल नहीं है, स्ट्रेट चलना है। अभी आज मैं आपको 2-3 चीज़ें कराऊंगा मेन, जैसे स्लोपिंग है, ढलान की प्रैक्टिस, स्लो, ये सारी चीज़ें स्लो कर लो, स्लो, एकदम स्लो। अब कौन सा गियर करोगे? फर्स्ट गियर। हाँ, तो फर्स्ट करो क्लच दबा के। हाँ, डायरेक्शन कोई समझना है, जैसे कि एक एक चौराहा होता है, उस पर 4 रोडे होती हैं, उस तरीके से इसमें गियर पैटर्न में भी अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है? यस सर। बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, चलो चेंज करो, जाने दो। स्पीड कम, राइट हुक खोल का, जाने दो धीरे धीरे। जब भी गियर चेंज किया करो तो गियर की डायरेक्शन पहले देख लिया करो। फर्स्ट गियर ले जाना है तो पूरा लेफ्ट दबा के, सेकंड ले जाना है तो लेफ्ट दबा के नीचे डाउन करोगे उसको, थर्ड में जाना है तो मिडिल में ला के सेंटर में ऊपर जाना है, फोर्थ में आना है तो उसी में अपोजिट नीचे डाउन करना है फोर्थ गियर। अभी हम लोग सीधा चलेंगे, स्ट्रेट जाने दो। लेफ्ट आओ, गुड। सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि सामने से साइकिल बाइक वगैरह आ रही है, तो बहुत ही सामने बंदा जा रहा है, इसको अलर्ट करो हॉर्न मार के। और मिरर का बहुत ध्यान रखा करिए कि लेफ़्ट राइट से लोग स्लो करो। देखो आपने कितना ज़्यादा लेफ़्ट दबा रखा था, कहाँ ध्यान है भाई आपका? गाड़ी से 1 फीट साइड मिरर बाहर निकला हुआ है, तो आप ये चीज़ क्यों नहीं जजमेंट कर पा रहे हैं कि गाड़ी से 1 फीट बाहर शीशा निकला हुआ है साइड मिरर, और जो बंदा चल रहा है तो टकरा नहीं जाएगी गाड़ी? फिर ये कौन देखेगा? अब यहाँ टर्निंग पे किसने कहा आपको एक्सेलेटर देने के लिए? टर्निंग पे एक्सेलेटर पे पैर होना चाहिए था। नो सर। फिर क्या यार, कोई नहीं, ऊपर वाला आपका भी भला करेगा। आगे बढ़ा के चढ़ाई पे रोकना है, अब क्या करना है, अभी तो करना है। नहीं, हमने तो कर दिया जितना करना था, हॉर्न दो। टर्निंग पॉइंट पे एक्सेलेटर पे कभी भी पैर नहीं होना चाहिए। रेस करो, हल्का सा चढ़ाई है, जाओ बढ़ाओ स्पीड। अगर टर्निंग पे आप एक्सेलेटर पे पैर रखोगे तो
बाई मिस्टेक एक्सीलेटर दब जाता है, चाहे जितनी कोशिश करो आप, एक्सीलेटर अपने आप दब ही जाता है। तो कुछ पॉइंट ऐसे जहाँ पे आपका प्रॉपर पैर ब्रेक पे ही होना चाहिए, कंपलसरी ब्रेक पे ही होना चाहिए, ठीक है। जाने दो, गुड। ब्लाइंड टर्न है, यहाँ लॉन्ग हॉर्न पुश करो, पता लगा सामने से कोई आ गया एकदम से मूड में तो हो गया। ना तुमने देखा ना हमने देखा, एक्सीडेंट हो गया और रब्बा रब्बा है ना। बस अभी यहाँ पे स्लोप आ रहा है, काफ़ी ऊंचा स्लोप है, वहाँ पे स्लोप की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। पैरों का खेल है पूरा। अब यहाँ पे स्लो करके फर्स्ट गियर करो, इसको क्लच दबा के फर्स्ट गियर करो, हाँ ऊपर। बस अभी ब्रेक नहीं छोड़ना है, स्पीड कम करो एकदम, बहुत ज़्यादा डाउन है नीचे, एकदम स्लो करके निकालना। पूरा क्लच दबा लो और ब्रेक से गाड़ी कंट्रोल होगी। यहाँ पे पूरा क्लच दबा लो फुल, हाँ। अब ब्रेक धीरे धीरे, हाँ इसको निकालने दो बाइक वाले को, हाँ जाने दो, हाँ चलो जाओ धीरे धीरे, काटो जाओ जाओ जाओ, राइट टू कॉल का राइट, राइट काटो राइट और राइट, बस हल्का राइट रखो, चलो क्लच ब्रेक छोड़ो, जाओ रेस करो हल्का सा, चलो लेफ्ट रखो गाड़ी अपनी लेफ्ट, हाँ रेस लो, थोड़ा सा चढ़ाई है और लेफ्ट आओ और लेफ्ट, हाँ बस रुको, पूरा क्लच और ब्रेक, स्टॉप, फुल क्लच और ब्रेक। अब गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। अब जैसे यहाँ सपोज करो ढलान पे हम खड़े हैं, अब गाड़ी अगर नॉर्मल गाड़ी बढ़ाते हैं तो पहले ब्रेक छोड़ते हैं फिर क्लच छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे उसका उल्टा करना है, यहाँ पहले ब्रेक नहीं छोड़ना, पहले थोड़ा सा क्लच छोड़ो, जैसे गाड़ी गियर में एक्टिव होगी वाइब्रेट करने लगेगी। चलो थोड़ा सा क्लच छोड़ो, देखो इंजन वाइब्रेट कर रहा है, अब ब्रेक से पैर हटाओ। अब पीछे जा रही गाड़ी, नहीं जा रही है, नहीं जा रही ना, अब हल्का एक्सीलेटर लो, हल्का एक्सीलेटर के साथ बढ़ाओ, हाँ फिर रोको, पूरा क्लच और ब्रेक। जब गाड़ी पीछे ना जाए इसका मतलब ये कि गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो चुकी है, तो वहाँ पे पहले हल्का एक्सीलेटर ले लो उसके बाद क्लच को छोड़ो, वरना गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी। अब धीरे 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 धीरे, हाँ वही चीज़ फिर से, हाँ सेम वन मोर, जाने दो धीरे धीरे, जाओ 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 जाओ, अब रेस लो हल्का, रेस लो हल्का, रेस लो रेस लो रेस रेस, जाने दो धीरे धीरे, जाओ 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 जाओ, कट, चलो एक्सीलेटर थोड़ा सा लेके फिर बाकी क्लच छोड़ोगे ना तो गाड़ी कभी बंद नहीं होगी, झटके से बंद नहीं होगी, हाँ सामने बाइक आ रही, ध्यान रखना, जाने दो धीरे धीरे, हल्का राइट रखो और लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे धीरे, चलते रहो धीरे धीरे, हाँ जाओ आराम से, हाँ हल्का लेफ्ट आओ और लेफ्ट, हाँ राइट रखो हल्का, जाने दो, देखो झाड़ी में जा इधर, झाड़ में जा रही, झाड़ी में नहीं जानी चाहिए, चलते रहो धीरे धीरे, अभी आगे आपको रोक के फिर रिवर्स करना है, सीधा सीधा गाड़ी रोकना उसके बाद रिवर्स लाना है, रिवर्स में किधर स्टीयरिंग काटोगे तो किधर गाड़ी जाएगी, ठीक है, लेफ्ट काटोगे तो कार किधर जाएगी, राइट काटोगे तो कार किधर जाएगी, ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधा सीधा चलाना तो बहुत इजी रहता है लेकिन रिवर्स में थोड़ा सा टफ रहता है। हल्का लेफ्ट आओ, बस राइट को रोको, पूरा क्लच लेफ्ट आओ रोको, हाँ फुल क्लच, धीरे से ब्रेक, हाँ बस न्यूट्रल करो, रिवर्स गियर डालो, बस अब आप यहाँ से देखोगे ऐसे करके, यहाँ से, हाँ एकदम धीरे धीरे क्लच पूरा रिलीज कर दो, गियर नहीं लगा था आपका इसलिए खट खट कर रहा था, चलो पीछे देखो भाई, आगे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे झटके से नहीं, आराम से, हाँ जाने दो धीरे धीरे, गुड, हल्का राइट रखो, राइट थोड़ा सा, बस वेरी गुड, लेफ्ट आओ हल्का, हाँ स्टीयरिंग सही से पकड़ो ना हाथ, गुड, अब एक बार रोको, पूरा क्लच लो, ब्रेक लो, स्टॉप करो, नज़र पीछे रहनी चाहिए, क्या हुआ, एक आँख कमज़ोर है तुम्हारी, नो सर, तो आँख क्यों दबा रहे थे, आँख मार रहे थे, अब पहले ब्रेक छोड़ो फिर धीरे से क्लच, हाँ झटके छोड़ दिया, बस यही कांड कर देते हो तुम, इसी में पूरा बेड़ा गर्क कर देते हो, पूरा कचरा कर देते हो, क्यों न्यूट्रल कर रहे हो इसको, क्या ज़रूरत है न्यूट्रल करने की, है कोई ज़रूरत, जब भाई ऑलरेडी रिवर्स गियर में हो, रिवर्स में जाना है तो क्लच दबा के देन गाड़ी स्टार्ट कर लो, स्टार्ट
स्टीयरिंग फिर गलत पकड़ लिया। हाँ यही सारी चीज़ें तो सीखनी है। और इसमें है क्या, कुछ है लेफ्ट आओ हल्का। हाँ राइट एकदम भाग गए थे, देखो गाड़ी चली गई थी झाड़ में। हल्का राइट रखो, राइट बस, लेफ्ट आओ बस, राइट रखो, राइट 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 राइट, जाने दो, लेफ्ट आओ, गुड। अभी रोको पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, स्टॉप। हाँ चलो अब इसको न्यूट्रल करके पहला गियर डालो, जाओ धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे जाना है, झटके से गाड़ी बंद ना हो। और जो पैर है थोड़ा सा तुम गड़बड़, उसको बहुत जल्दी छोड़ देते हो, ठीक है, ये सब नहीं करना है। सो गाइस आपने देखा थोड़ा सा हालत इनकी ख़राब है, क्योंकि ये इस बैच में जो मतलब स्टूडेंट, क्या मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा डरते हैं ये, इतनी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो जाती। शायद ये किसी और के पास गए होते तो इतना भी नहीं चला पाते, क्योंकि इतना टेंशन कोई लेता नहीं है ट्रेनर सिखाने के लिए, आपको आए या ना आए। मैं एक बात को हज़ार बार बताता हूँ ताकि किसी तरीके से वो आपके माइंड में बैठ जाए। इनकी जो स्थिति थी, अगर ये कहीं भी किसी भी ड्राइविंग स्कूल में गए थे तो शायद ये कॉन्फिडेंस इनको अभी तक नहीं आता जो आज आ चुका है, क्योंकि स्थिति इनकी बहुत ही ख़राब थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ बोलना चाहोगे, अपने बारे में कुछ बताओगे, क्या स्थिति थी तुम्हारी? मेरा एकदम कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो था, लेकिन सर ने मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया है, बड़ा धीरे धीरे बहुत अच्छा मैं अब सीख रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, चलो जय हिंद वंदे मातरम, चलो।